वेलकम टू LMP सेवाज अकेडमी। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। और इस प्रोग्राम को हमें लिखना है, कोड करना है सी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में कोड करना है? सी लैंग्वेज में कोड करना है, ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा हम सभी को कि यूज़र हमें ऑक्टल नंबर में देगा और हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। एक उसको ऐसा सॉफ्टवेयर बना के तैयार करके देना है कि यूज़र कोई भी ऑक्टल नंबर डाले तो उसको बाइनरी नंबर आउटपुट में मिल जाए। ये हमारा काम है। चलिए, तो इस प्रोग्राम को करने से पहले जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को कैसे सोचें, कैसे उसकी शुरुआत करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ हमें जो इनिशिएट लेना है प्रोग्राम का वो कहाँ से लेना है कि आउटपुट को इमेजिन करना है कि आउटपुट एक्चुअली में यूज़र चाहता क्या। देखो, यूज़र क्या चाहता है कि यूज़र को एक मैसेज आए, जैसी वो मेरा सॉफ्टवेयर रन करे .exe फाइल बनेगी मेरी, दैट इज़ यही सॉफ्टवेयर बनेगा। ये फाइल मैं उस यूज़र को दूंगा, वो यूज़र इसको ओपन करेगा, ओपन करने के साथ उसको मैसेज आए कि राइट योर ऑक्टल नंबर। पहला काम तो ये, मतलब उसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, राइट। अभी मैं आउटपुट को इमेजिन कर रहा हूँ, ध्यान देना, फिर कोड पे चलेंगे आराम से, लेकिन पहले एक बार आउटपुट को देख लेते हैं कि यूज़र हमारा चाहता क्या क्या है। ठीक है, तो राइट योर ऑक्टल नंबर, तो जब यूज़र के पास ये लिख के आएगा तो यूज़र इसको रीड करेगा राइट योर ऑक्टल नंबर, तो वो अपना ऑक्टल नंबर डालेगा और उसको पता है कि प्रोग्राम मैंने उसको किस लिए दिया है, कि ये प्रोग्राम एक काम करेगा और वो काम कौन सा करेगा, ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए, तो यूज़र को मैसेज आएगा राइट योर ऑक्टल नंबर, तो कोई भी ऑक्टल नंबर डालेगा। अब हम लोग समझते हैं ऑक्टल नंबर होता क्या है। सबसे पहली बात, अगर हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर का कन्वर्जन क्या होता है और ऑक्टल नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर क्या होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, ऑक्टल नंबर क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर, क्या पढ़ते हैं भाई, हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, आपके सारे डेसिमल नंबर, आपके जितने भी डेसिमल नंबर हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बने होते हैं। चाहे कोई भी नंबर बोल दीजिए आप, 1001, ये देखिए इसमें 1001, इन्हीं 9-10 में से कोई एक नंबर है, इन्हीं 10 का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, इन्हीं 10 नंबर में से कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है, डेसिमल नंबर मेरा, ये जो 10 नंबर मैंने लिख रखे हैं 0 to 9 तक, इन्हीं सारे के कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसी तरीके से आपका डेसिमल नंबर की तरीके से ऑक्टल नंबर भी होते हैं और बाइनरी नंबर भी होते हैं। तो अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लाइन में हैं और बाइनरी नंबर को नहीं जानते हैं तो ये बहुत गलत बात है। तो बाइनरी नंबर हम लोग जानते होंगे, बाइनरी नंबर क्या होता है एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। बाइनरी नंबर होता है, इसका बेस क्या होता है, 10, क्योंकि ये 10 डिजिट को यूज़ कर रहा है, क्लियर है। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, इसका बेस होता है 2, इसका बेस होता है 2, मतलब ये कोई 2 डिजिट यूज़ करेगा और वो 2 डिजिट कौन सी यूज़ करेगा, शुरुआत की 2 डिजिट कौन सी, 0 और 1, मतलब बाइनरी आपका 0 और 1, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बनेगा, 0 1 बने, 1 0 बने, 1 1 बने, 0 0 बने, क्लियर है। अब ये कितने भी बिट में हम लोग इनको लिख सकते हैं वो तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो बाइनरी नंबर तो ये हो गया। इसी तरीके से ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मेथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट, ऑक्ट कितने पे आ रहा, 8, मतलब बेस होता है इसका 8, तो 8 बेस है तो ये शुरुआत के कितने लेगा, 8, तो 0 यहां से चालू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऑक्टल नंबर में बेस 8 है तो कितने नंबर आएंगे, ये शुरुआत के 7 आएंगे, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इन 7 से ही मिलकर के मेरा ऑक्टल नंबर बनेगा। कोई दिक्कत है, पक्की बात है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मेरे को क्या करना है कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में लिखना है, तो ऑक्टल नंबर कैसे लिखा जाएगा, ऑक्टल नंबर लिखा जाएगा कितने डिजिट में, कितने बाइट, कितने बिट्स में लिखा जाएगा, ये देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ 1 1 1 1 1 1, तो ये क्या, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस 8, तो ये लिखा हुआ है ऑक्टल नंबर में, किस में लिखा हुआ है,
ऑक्टल नंबर में, क्यों? क्योंकि बेस 8 है। अगर यहां पर मैं बेस 2 कर दूं तो ये लिखा हुआ बाइनरी नंबर में, अगर यहां पर मैं बेस 10 लिख दूं तो ये अपना डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में हम लोग बेस एज सच नहीं लिखते हैं, ऑक्टल नंबर में हम लोग बेस लिख देंगे अपना 8। तो ये हमारा क्या होगा, 3 बिट का ऑक्टल नंबर हो गया। कितने बिट का ऑक्टल नंबर हो गया, 3 बिट का ऑक्टल नंबर हो। और ये 3 ही बिट क्यों है, क्योंकि इसमें 3, देखो जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 करोगे 4, 2 की पावर 1 करोगे 2 और 2 की पावर 0 करोगे तो 1। तो 4, 2, 6 और 1, 7। क्लियर है, 4, 2, 6 और 1, 7, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि 7 तक काउंटिंग लेके जानी, और काउंटिंग कहाँ से चालू होगी, 0 से। तो 0 से 7 में कितने नंबर हो जाएंगे, 8 टोटली। समझ में आ रहा है, मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 4, 2, 6, 1, 7, ये देखिए 7, और मिनिमम मिनिमम कितना जाएगा, 0, 0, 0, ये 0 जाएगा ऑक्टल नंबर में। कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब हमारा मुद्दा है, अभी हमने समझा डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, बस इतनी बात समझनी। लेकिन हमें अपने प्रोग्राम में ना डेसिमल नंबर को देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि कैसे ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर का कन्वर्जन होता है। मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो सिंपल सा तरीका क्या है, मान लीजिए आपको ये ऑक्टल नंबर दे रखा है 101, बेस 8 है, तो ये कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। क्लियर है, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो सिंपल सा काम है, आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पहली इसकी डिजिट लीजिए 1, 1। अब 1 को आप लिखिए 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में, कितने बिट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, 4 बिट के रिप्रेजेंटेशन में हमें लिखना है। तो 1 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 की पावर 0 1, तो 3 बिट के रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो जाएगा 0, 0, 1। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका सेकंड पकड़िए आप 0, अब 0 कितने बिट के रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, 3 के में, तो 0 का क्या हो जाएगा, 0, 0, 0। अब लास्ट में क्या है, 1, 1 का फिर से हमारा 3 बिट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बाइनरी के लिए, तो 0, 0, 1। तो अब इन तीनों को एक साथ लिख देंगे तो 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ये हो गया ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया एक ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर में। तो तरीका ये, जैसे मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ, 1, 1, 1 बेस 8, तो आपके दिमाग में आया कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर। हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। तो पहला स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट पकड़िए 1 है, तो 1 को लिखना है 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में, कैसे लिखेंगे, 0, 0, 1, फिर 1 है तो 0, 0, 1, फिर 1 है तो 0, 0, 1। अब इन तीनों को एक साथ लिख देंगे तो 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, और ये आपका हो गया 2 लगा देना है बेस, तो ये आपका हो गया बाइनरी में कन्वर्जन। ये आपका बाइनरी नंबर लिखा हुआ, ये आपका ऑक्टल नंबर लिखा, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब अपने प्रोग्राम पे आते हैं, क्लियर है। तो हम लोगों ने ये तो पता हमें कि कैसे कन्वर्जन करा जाता है, अब इसको कोड कैसे करेंगे, इसको हम लोग कोड कैसे करेंगे वो चीज़ अब हम लोग देखते हैं। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थे कि जैसे ही यूज़र मेरा सॉफ्टवेयर को रन करे तो उसको एक मैसेज प्रिंट हो गया आना चाहिए, राइट योर ऑक्टल नंबर, और उसको पता है कि वो यूज़र, या तो आप लिख भी सकते हो कि राइट योर ऑक्टल नंबर टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर, लेकिन उसको पता है कि हमने उसको पर्टिकुलरली ये सॉफ्टवेयर इसलिए दिया है कि वो ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो उसने बोला अब एंटर योर ऑक्टल नंबर, उसने कोई भी ऑक्टल नंबर डाला, मान लीजिए 101, तो इतना तो पता हमें बेस 8 में आएगा क्योंकि ऑक्टल नंबर डाला है, क्योंकि जो भी इनपुट डालेगा उसे बेस हमें 8 में ही लेना है क्योंकि वो ऑक्टल नंबर है। अब इसे कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया अभी हम लोगों ने देख ली कि कन्वर्ट करने का प्रोसेस कैसा होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए तो एंटर तो वो करेगा 3 डिजिट में अगर एंटर करता है तो ही हम लोग वैलिड लेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है, मेन फंक्शन बनाएंगे अपना, ठीक है, ऊपर आप लिख लोगे हैशटैग इंक्लूड कर लेना अपनी हेडर फाइल्स, हैशटैग इंक्लूड stdio.h और हैशटैग इंक्लूड conio.h। क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो प्रिंट एफ स्कैनर फंक्शन है हमारे वो उन्हीं लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइंड होते हैं, इसलिए उनको इंक्लूड करना होता है, अदरवाइज हमारे प्रिंट एफ स्कैनर नहीं चलेंगे। क्लियर है, चलिए मेन फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या है,
ये मैसेज प्रिंट कराना है, लेकिन ये मैसेज तो एक एक्शन स्टेटमेंट, और हम लोग जानते हैं एक्शन स्टेटमेंट से पहले हमेशा अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया जाता है। तो अब देखिए वेरिएबल कितना चाहिए, वेरिएबल ये चाहिए। अब इस वेरिएबल को मैं क्या चाहता हूँ, हम लोग क्या चाहते हैं, एक एक नंबर अलग अलग से उठाएं ना, तो एक एक नंबर अलग अलग से उठाना, तो हर एक नंबर का अपना अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए। तो जब एड्रेस की बात आ गई तो हम लोग इसको कैसे स्टोर करवाएंगे, एक स्ट्रिंग की तरीके स्टोर करवाएंगे। कैसे, एक स्ट्रिंग की तरीके स्टोर करवाएंगे, जिसमें ये पहला कैरेक्टर, ये जिसमें दूसरा कैरेक्टर, जिसमें ये तीसरा कैरेक्टर। समझ में आ रही की बात नहीं, दैट इज अगर मैं ए जीरो लिखूं तो मुझे वन मिलना चाहिए, ए टू ए वन लिखूं तो मुझे जीरो मिलना चाहिए, और ए टू लिखूं तो मुझे वन मिलना चाहिए। और कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को तो हम लोग ऐसे डिनोट करवाते हैं, क्लियर है। चलिए तो काम क्या है, सबसे पहले डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तो इन टाइप का लेना नहीं, कैरेक्टर टाइप का, तो कैर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक एक कैरेक्टर को स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, तो कैर एक एरे ले लो या एस ले लो आप स्ट्रिंग से, 10 की बना लेते हैं, जरूरत नहीं है 3 तक रहेगा वैलिड, उसके बाद 10 की आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, S10 मैंने बना लिया, कोई दिक्कत है। ये हो गया हमारा, ये चीज क्लियर है। आगे जो वेरिएबल लगेगा आगे और देखेंगे, और क्या वेरिएबल लगेगा, एक आई तो जरूर लगेगा लूप लगाने के लिए, तो एक आई भी हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आई, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, मैसेज प्रिंट करवाना। देखो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया, अब क्या अपना काम करना चालू, तो सबसे पहले राइट योर ऑक्टल नंबर हमें प्रेजेंट प्रिंट करके दिखाना। तो हम लोग डालेंगे मैसेज प्रिंट एफ, मैसेज डालने के लिए प्रिंट एफ यूज करेंगे, राइट योर ऑक्टल नंबर, ठीक है। ये प्रिंट हो गया, ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, मेन से ये एग्जीक्यूट हो गई, अब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, अब वो एंटर करेगा अपना नंबर, तो उसको स्टोर भी करवाना और हर पर्टिकुलर एड्रेस पे करवाना। तो स्कैनफ ले लीजिए आप, स्कैनफ फंक्शन परसेंटेज ऑफ एस, पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करवा दे रहे एक बार में, परसेंटेज इस फॉर्मेट स्पेसिफायर होता हमारा स्ट्रिंग को स्टोर करवाने का। अब स्ट्रिंग को कहाँ स्टोर करवाना है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ, पहला कहाँ स्टोर करवाना है, जीरो पर, उसके बाद तो अपने आप इंक्रीज होता रहता है क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस लगा, तो एस ऑफ जीरो, कोई दिक्कत है, मतलब जो पहला आएगा अगर वन आएगा तो वन एस जीरो में स्टोर होगा, फिर यहाँ एस ले लीजिए, अच्छे समझ में आएगा, फिर दूसरा एस वन में, फिर तीसरा अपने आप एस टू में, क्लियर है, ठीक है, स्टोर भी करवा लीजिए। अब हम लोगों को क्या चलाना है, देखिए एक लूप चलाना, मुझे एक लूप क्यों चलाना है, क्योंकि मुझे पहले वन का लिखना है बाइनरी नंबर, फिर जीरो का लिखना, फिर वन का लिखना, और तीनों को कंबाइन कर देना है, काम ये करना अपने को। तो मतलब लूप चलना चाहिए जब तक मेरे पास नंबर है, जब तक मेरे पास डिजिट है। तो मैं एक व्हाइल लूप चलाऊंगा जब तक मेरा SI कुछ है, ये ट्रू होगा तो ही लूप चलेगा, और ये फॉल्स हो गया तो हमारा लूप नहीं चलेगा। वाइल के केस में यही होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही चलेगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा। तो SI लिख देंगे, क्यों, क्योंकि SI में अगर कुछ वैल्यू होगी तभी ये लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, जब इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अब I को मैं पहले ही जीरो इनिशियलाइज कर देता हूँ, I इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, तो देखिए यहाँ एस जीरो आ जाएगा, तो पहले ये किसकी वैल्यू ले लेगा, एस आई जीरो की, ठीक है। अब इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है, एक स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा। स्विच स्टेटमेंट क्यों लगाऊंगा, आप सोचिए, आप स्विच स्टेटमेंट इसलिए हमें लगवानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ऑक्टल नंबर है, ये कैसा है, ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल नंबर में तो 0 से लेकर के डैश 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 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो हर एक नंबर का मुझे पर्टिकुलरली बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे जीरो का क्या होगा, 0000, 1 का क्या होगा, 001, इसी तरीके 7 का क्या होगा, 111, तो हर किसी का पर्टिकुलरली मुझे बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब केस बनाऊंगा, इसमें पास क्या करूंगा मैं, SI, कोई दिक्कत है, SI क्यों पास करूंगा, जो कैरेक्टर आएगा यहां, तो पहला केस बनाऊंगा मैं केस कौन सा, 1, सॉरी 0, अगर 0 आता है तो ये वाला केस चल जाए, अगर हमारा इनपुट 0 आ रहा है तो ये वाला केस चल जाए, केस 0, तो प्रिंट एफ, डायरेक्ट हम लोग प्रिंट एफ करवा दे रहे हैं,
हम लोग प्रिंट एफ क्या करवा दे रहे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका बाइनरी नंबर, तो जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका बाइनरी नंबर क्या है, 000, तो 000। उसके बाद क्या है, ब्रेक फंक्शन चलाते हैं, ठीक है, ये तो स्विच का हम लोग अच्छे से जानते हैं सिंटेक्स वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, केस वन, केस वन में सेम एज प्रिंट एफ, वन का क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर 001, फिर यहां पर आप ब्रेक चलाओगे, सेम आप चलते चलते चले जाओगे ऐसे लिखते लिखते केस सेवन तक, केस सेवन वहां पर आप प्रिंट एफ लिखोगे और प्रिंट एफ में आप क्या डालोगे, देखिए केस सेवन का कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर 111, कोई दिक्कत है पक्का, फिर ब्रेक लगाओ, लास्ट में क्या आएगा आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट, डिफॉल्ट होता है कि नहीं होता हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या हम लोग पुट करवाएंगे, डिफॉल्ट में आप प्रिंट करवाएंगे, अगर इनमें से कोई भी नहीं आता, मान लो यूजर ने डाल दिया 8, तो 8 तो है नहीं ऑक्टल में, तो ये क्या हो गया इनवैलिड, जैसे ही उसने 8 डाल दिया और मुझे 8 मिला तो मैं प्रिंट करवा दूंगा एंटर वैलिड ऑक्टल नंबर, एंटर वैलिड ऑक्टल, क्यों, क्योंकि जो आपने नंबर डाला है वो वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें 8 तो आता ही नहीं है, 0 से 7 तक ही डिजिट रहते हैं, क्लियर है, इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। अब इस स्विच स्टेटमेंट को यहीं पर ही हमें कर देना है क्लोज। अब ये वाइल कंडीशन चलाने के लिए तो इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा आई का, तो यहां पर हम लोग आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू पहले कितनी थी 0, जब ये लूप यहां से यहां तक आएगा आई की वैल्यू 1, फिर ये लूप चलेगा एस 1, तो 1 में जो वैल्यू होगी 0, तो 0 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर प्रिंट होगा, इसी तरीके से मेरा लूप चलता चला जाएगा, ये हो गया यहां पर बंद। उसके बाद गेट सी एच एक कैरेक्टर ले लेंगे, क्यों लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन हमारी पॉज हो जाए और हम लोग अपने आउटपुट को देख सकें। चलिए तो ये हो गया हमारा यहां पर बंद, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आओगे। देखिए जैसे अब मैं इसको रन करवाता हूं 101, तो 1 जाएगा S0 में, S0 में जाएगा तो S0 में 1, अब 1 मैच करेगा, K0 से मैच हो रहा नहीं, K1 से मैच हो रहा, 1 से मैच होगा तो प्रिंट एफ हो जाएगा ये 001, तो क्या प्रिंट हो गया 10, इसका क्या हो गया पहले 1 का क्या हो गया 001 प्रिंट होगा, क्लियर है, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, कर्सर यहीं कहीं रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा कर्सर, कर्सर यहाँ पर है, फिर ये देखिए आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब 0 चाहिए 1 तो S1, S1 में क्या है 0, तो 0 के 0 ये रहा तो 000, यहाँ से फिर चालू हो जाएगा प्रिंट होना 000, कोई दिक्कत है। उसके बाद सेम इसी तरीके से चलेगा, आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, अब आई की वैल्यू जाएगी 2, तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 में क्या है 1, तो 1 देखिए केस कहाँ है, केस 1 ये रहा आपका 001, तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा 001, और आपका जैसे अब आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 तो इसमें है ही नहीं हमारे इनपुट में, उसने यूजर ने डाल, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप नहीं चलेगा, लूप नहीं चलेगा तो सीधा यहाँ पर आएगा गेट सी एच, स्क्रीन को रोक देगा, हमें अपना आउटपुट दिख जाएगा, आप अपने जैसे एंटर करोगे ये आउटपुट चला जाएगा, आपका प्रोग्राम क्या हो गया रन, आपका अब एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया जो आप अपने यूजर को देना चाहते थे, जिसकी मदद से वो किसी भी ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना चाहता था बाइनरी नंबर में, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। अब आप इस कोड को एक बार ध्यान से समझिए कि मैंने कैसे कैसे किया है, और इसको अपनी मशीन पर रन करिए, जो भी मशीन आप यूज़ करते हो उस पर रन करिए, जरूर रन होगा और आपका आउटपुट आपके सामने आएगा, आपको शाबाशी भी जरूर मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया कि ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट हम लोगों को करना है यूजिंग सी लैंग्वेज, कोई दिक्कत है। चलिए अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो, दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर देना, ताकि सारी हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है, और शेयर कर दो जिसको भी इस तरीके की कंटेंट की ज़रूरत है, और भी इस तरीके की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।